प्रतीक्षा समाप्त हुई। स्वयं यमराज स्वाति और उसके शिशु के प्राण हरने के लिए पहुंच गए। कहीं इसकी भक्ति की शक्ति ने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तो। देवी पौलमी, आप अपने दुष्कर्मों को विराम नहीं देंगी, हमें ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, स्त्री एवं इसके शिशु के मृत्यु का समय निकट आ गया है। ब्रह्मदेव द्वारा लिखित नीति के अनुसार हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की अनुमति दे। आज्ञा दे प्रभु। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माता। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माते। नियति में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। देवी संतोषी ने हमारे साथ पुनः छल किया है। बाबूजी। जी बाबूजी। हाँ इंद्रेश, बच्चे की धड़कन चलने लगी है। हाँ, एकदम खतरे से बाहर है रे। और स्वाति? अरे उस पुजारी को क्या होगा, वो भी ठीक है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद त्रिदेव, आपने हमारी भक्त और उसके शिशु के प्राणों की रक्षा की। ये उस मनुष्य ने किया है, हमने नहीं देवी संतोषी। नारायण नारायण। माते, यमराज यमराज रिक्त हाथों लौट रहे हैं। हाँ देव ऋषि, आज सत्यवान की भांति इंद्रेश भी यमराज से लड़ गया। और उसने यमराज को विवश कर दिया कि वो सावित्री के प्राण लौटा दे। इंद्रेश ने स्वाति और अपने बच्चे का जीवन यमराज से वापस मांग लिया है। हमें संतोषी दीदी ने सही रास्ता दिखाया और पटवृक्ष के साथ साथ स्वयं इसमें बसने वाले त्रिदेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। हमारा है साथी। सब ठीक है ना? सब ठीक है। इंद्रेश भैया, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। मिस्टर इंद्रेश, क्या आप अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहते हैं? देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? आइए मेरे साथ। डॉक्टरनी जी, हमको भी देखना है। रिंकी दी, चलो। और आप लोगों को आवाज आ रही है ना? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चे की ग्रोथ भी सही है। बच्चा मूवमेंट भी करने लगा है। अब कुछ ही दिनों में स्वाति को बच्चे की किक भी महसूस होगी। ये तो सब भगवान का चमत्कार है। क्या कहें आपको प्रभु, हमारे पोते को बचाकर जो एहसान आपने किया है उसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है। जल्दी आपकी पत्नी को होश आ जाएगा। इंद्रेश भैया, अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वाति के सर से सारा खतरा टल चुका है। सुंदरता की देवी कौन? देवी पालोमी। चुप करो। ये सचना सवरना, तुम लोगों का नाचना गाना खाना पीना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्वयं को व्यतीत करने से क्या लाभ? अब कुछ नहीं हो सकता देवी, क्योंकि होनी तो टल चुकी है। मुनि स्वयं नहीं टली है, उसे टाला गया है, षड्यंत्र किया गया है। उस सच्चाई की मूर्त बनने वाली देवी संतोषी ने हमारे साथ पुनः छल किया है। देवराज इंद्र, आपने तो देखा ही था ना, उन त्रिदेवों ने हमारे साथ किस प्रकार पक्षपात किया। उन्होंने नियति को ही परिवर्तित कर डाला। उस तुच्छ स्वाति एवं उस आदमी से शिशु के लिए हम सभी पक्षों से अवगत हैं। देवी पालन में आप व्याकुल ना हो एवं शांत चित्त से अपने सौंदर्य को निखारें। हम स्वयं कैलाश जाकर त्रिदेवों से इस विषय पर प्रश्न करेंगे एवं त्रिदेवों को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़ेंगे। अब ये अति आवश्यक हो गया है कि आप उन लोगों को ये स्मरण कराएं कि आप देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, अर्थात उन सभी के राजा हैं। आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं पद के आगे उन्हें नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आए? सब उल्टा हो गया। पता नहीं कब से यहाँ पड़े हुए हैं। अब तक तो सिंहासन सिंह ने स्वाति को मारी दिया होगा। अरे बाबूजी, होश आ गया आपको? आराम से बाबूजी, गोली लगी है। अपना फोन खोज रहे हैं क्या? हाँ। वो तो नहीं मिलेगा। यहाँ बाबूजी, आदमी की परछाई अगर गिर जाए तो वो गायब हो जाता है। वो तो आपका फोन है बाबूजी। अभी तक तो वो बेच के आपके फोन का दारू पी रहा होगा। हमको एक अर्जेंट फ़ोन करना है। आप अपना फ़ोन देंगे हमको प्लीज़? अरे हमारे पास कहाँ कोई फ़ोन भी है। बड़ी मुश्किल से घर परिवार का खर्चा निकल जाता है और थोड़े बहुत पैसे थे तो आपके इलाज में चला गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप फिक्र मत करिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। ठीक है बाबूजी। अब पता करें तो कैसे करें कि रिसोर्ट पर क्या हुआ या क्या हो रहा है। ले लीजिए बाबूजी, चाय पीजिए। या अंगूठी बेचकर जो भी पैसे मिले ना, फटाफट एक फोन लेके आइए। बाकी के जो पैसे बचे उसे, जो भी इलाज में आपका खर्चा हुआ है, वो आप काट लेना। अब जल्दी जाइए, लेकर आइए। ठीक है बाबूजी। अगर स्वाति और हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो सिंहासन सिंह तुम बचोगे नहीं। स्वाति, आज हमने अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनी। बहुत अजीब फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था अनु की धड़कन कुछ कहने की कोशिश कर रही है। लग रहा था वो कह रही है थैंक यू मम्मी, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी बनेंगे। तो चलो और जाकर बता दो उसे, तुम्हें बिल बनने की जरूरत नहीं है, क्या है कि तुम पहले से ही इस दुनिया की सबसे अच्छी मां हो। चलो उठो, तो तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। आती, हम जानते हैं तुम हमको सुन सकती हो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आंखें खोल तो ना, तुमको ऐसे देखने की आदत नहीं है हमें। उठो ना, उठो, चलो तुरंत आगे खोलो अभी, चलो आती हो गया। चलो ये बेड केवल मरीज के लिए है, उसके अटेंडेंट के लिए नहीं। चलिए उठिए। आप काफी थके हुए लग रहे हैं, जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। इनको होश आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब हम यहाँ से बाहर तभी जाएंगे जब स्वाति भी हमारे साथ जाएगी। गजब का प्यार है आप दोनों का, भगवान आप दोनों की जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। मैंने कभी नहीं चाहा कि स्वाति मर जाए, लेकिन अब करूं तो क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं जो इंद्रेश का हो चुका है? मगर ये दिल इंद्रेश का हो चुका है तो इंद्रेश को भी मेरा होना ही होगा। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर और पवित्र है, बिल्कुल शिव और पार्वती के जैसे। उन्हीं के आशीर्वाद से तो हमारी जोड़ी बनी थी। माता पार्वती और महादेव की पूजा करने से ही स्वाति हमारे जीवन में आई थी, और कल उन्हीं की कृपा से स्वाति की जान बच पाई, और हम दोनों एक दूसरे से जुदा होने से बच गए। स्वाति और इंद्रेश द्वारा की गई आपकी भक्ति का ये कितना सुंदर प्रतिफल है स्वामी, कि आज स्वाति अपने समस्त आरोपों से मुक्त हुई और उसे जीवन दान मिला, और उसके शिशु को आपका आशीर्वाद। भक्ति का प्रतिफल सदा सुंदर और सुखद ही होता है देवी, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है स्वामी कि आपके प्रति की हुई एक निष्ठ भक्ति से ये साधारण हिमालय पुत्री पार्वती शिव प्रिय बन गई, एवं आज भक्ति का महत्व इंद्रेश को भी ज्ञात हुआ, उसे उसकी प्रिय का साथ प्राप्त हुआ। भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है देवी, इंद्रेश एवं स्वाति की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो उनका स्थान तो स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। प्रणाम दादाश्री, प्रणाम दादीश्री। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। हे महादेव, माता पार्वती, इन पुष्पों को स्वीकार कीजिए। दादाश्री, आज पुनः भक्ति पर मनुष्य का विश्वास अडिग रहने में सफल रहा, इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। पुत्री संतोषी, ये तो आपके भक्तों की निस्वार्थ भावना से की गई भक्ति का ही फल है। इंद्रेश ने वट सावित्री की पूजा कर अपने पत्नी को पुनः प्राप्त कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वाति हमारी परम भक्त है, किंतु इंद्रेश की भक्ति भी अतुलनीय है। उसकी भक्ति का भाव निरंतर बिना विचलित हुए परम श्रद्धा से सदैव बना ही रहा है। इसी अद्भुत गुण के कारण उसे भक्त का स्थान प्राप्त हुआ है।